नरेंद्र मोदी ने इस बारे साफ साफ कहता भी 370 जिहड़े खेती बिल है वह वापस नहीं होंगे, ये बारे आप अगला सुना की स्टेप है। देखो ये ही आ गल शुरू हुई हैं, पहली तो गल ये लो कि अज तक नरेंद्र मोदी जदों अंदोलन के खिलाफ उठता है चुप करके गुच्छी मार के बैठ जाता, बोलता नहीं हुंदा। तुहाडे अंदोलन ने किसानां दे अंदोलन ने नरेंद्र मोदी नूं बोलन लई मजबूर कर लिया, ते बोलदा हमेशा बंदा उदों है जदों उहनूं दुख हुंदा है। इहदा मतलब साडे अंदोलन ने उहनूं किते ना किते जाके हिट कीता है, और आउण वाले दिनां दे विच नींद होर हराम करांगे। ये अंदोलन पूरे देश का बन जा रहा है, अगे पंजाब का अंदोलन ने ही अगर भाजपा की या नरेंद्र मोदी जी की साडे प्रधानमंत्री जी की नींद हराम कर ली है तो पूरे देश का जो अंदोलन बनेगा तो उन्होंने असं मजबूर कर लेंगे कि वापस। श्री मुक्तसर साहिब कोटकपुरा रोड से बने टोल प्लाजा वडिंग विखे बैठे किसानों वालों अज भी टोल प्लाजा से धरना जारी है। भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के पंजाब प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल विशेष तौर पर धरने में शामिल हुए और किसानों अपने विचार सांझे किए। मैनू लगता फिर आने वाले समय के कदे दोबारा ये अंदोलन उठेगा नहीं, और जमीन तुहाडे कोले एक मरला किसी कोले रहनी नहीं, चाहे कोई 500 एकड़ का मालिक भी क्यों ना होवे। उन्होंने कहा कि सरकारां भुल चुकियां हन कि लोकां तो ही वोट लैके सरकार बनी है, इसलिए पावर भी लोकां कोल ही है। इसलिए जदों तक केंद्र सरकार वालों बनाए गए काले कानूनां नूं रद्द नहीं किया जाता, असी अपना संघर्ष जारी रखांगे। बीजेपी के मंत्री है सोम प्रकाश, वो कहिंदे वी किसानां कोल किसान कोई पावर हाउस नहीं, ते उन्हां सरकार दे मुताबक चलना चाहिए। देखो ये वो कह रहे ने कि किसान कोई पावर हाउस नहीं, इहदा मतलब उन्होंने पता ही नहीं भी किसान की चीज़ है। पावर ही लोकां कोले है, जे अज सरकार किने बनाई है, सरकार लोकां ने बनाई है, लोकां तो एक एक वोट लैके बनी है, और सरकार जे साडे वास्ते मौत दे वरंटा दे साइन करे तो असीं उहनूं सत करके मन लईए। बिल्कुल ये गलत उन्हां दीआं गल्लां, और इन्हां दे उन्हां दी भावना जिहड़ी उह जाहर हो रही है कि वो साडी जमीन कारपोरेटां नूं देनी चाहुंदे आ, और असीं उहदे खिलाफ़ लड़ रहे हैं। पावर हाउस का पता लग जाएगा उन्होंने इलेक्शन के विच कि साडे कोल पावर हाउस है या नहीं है। पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं डल्लेवाल ने कहा कि देश व्यापी अंदोलन नूं सफल करने लई 3 तरीक नूं दिल्ली विच राष्ट्रीय किसान महासंगठन की मीटिंग होनी है, जिस विच 5 तरीक नूं पंजाब बंद करन दा फैसला लिया जाएगा। बाहरलियां स्टेटां दे कुछ जथेबंदियां दी मीटिंग 250 जथेबंदी दी हो चुकी है, 250 जथेबंदी दी मीटिंग 3 तरीक नूं हो रही है राष्ट्रीय किसान महासंघ दी, उहदे च असीं जावांगे। असीं उहनां नूं भी रिक्वेस्ट करांगे कि इस अंदोलन नूं पूरे देश दे कोई भी जथेबंदी इहदे चों बाहर ना रह जाए, हर जथेबंदी इहदे च पार्टीसिपेट करे। उम्मीद रखदे हां सारे साडे साथी है वो करनगे इहदे च, और देश व्यापी बन जाएगा। जिहड़ा साडा 5 तरीक दा धरना है उहदे लई पहले ही साडी तैयारी, पंजाब के अंदर तो कोई एड्डी बहुत ही वड्डी स्पैशल तैयारी की लोड़ नहीं है, किसान अपने आप अंदोलन के रस्ते तुरे हुए हैं। मुकम्मल जाम होएगा और रही कसर असी 3 तरीक नूं एक साडी मीटिंग होने जा रही है दिल्ली के होर राष्ट्रीय किसान महासंघ की। साडी कोशिश है कि जिहड़ा 5 वाला प्रोग्राम है वह पूरे देश के मजबूती नाल होवे, और उहदे विच साडी कोशिश होगी कि असीं सफल करन वास्ते असीं एजेंडा लैके आवांगे। भारत संदेश लई श्री मुक्तसर साहिब तों अनमोल सिंह वडिंग की रिपोर्ट।